हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप लोग? तो आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे। तो अभी सुबह का बज रहा है 4, तो हम लोग चलने वाले हैं LTT स्टेशन। तो पीछे जो ऑटो रिक्शा दिख रहा है उसी से हमको जाना है। तो आपको और आपके पूरे परिवार को हैप्पी छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। तो अभी हम लोग छोड़ने जाने वाले हैं जावेद के अबू को। तो अभी हम लोग चलते हैं, तो आप लोग वीडियो पे बने रहिएगा। तो चलिए अभी हम लोग बैठते हैं। तो अभी हम लोग बैठ चुके हैं और निकल चुके हैं, मानपुर से निकल गए हैं। गाइस, फाइनली अभी हम लोग पहुंच चुके हैं और अभी ये रिक्शा स्टैंड है। तो आगे अभी हम चलते हैं प्लेटफार्म टिकट लेंगे, क्योंकि इनका तो टिकट है लेकिन हमारा प्लेटफार्म टिकट नहीं है। तो अभी छठ पूजा का समय चल रहा है, तो अभी हम आप लोग को दिखाते हैं कितना गर्दी चल रहा है। अभी गाड़ी लगी नहीं है। तो गाइस, अभी हम चल रहे हैं प्लेटफार्म टिकट निकालने के लिए, क्योंकि अभी छठ का पर्व चल रहा है तो बहुत ज़्यादा गर्दी है। और प्लेटफार्म टिकट रहेगा तो सही रहेगा। तो ये पीछे देख सकते हो हमारे स्टेशन है, लोकमान्य तिलक टर्मिनस। ये गाड़ी लग चुकी है, अभी हम प्लेटफार्म टिकट लेके आएंगे, फिर उनको बिठाएंगे। ये देख सकते हो आप लोग, ये यहाँ का पार्किंग है, रिक्शा स्टैंड, टैक्सी स्टैंड और प्राइवेट गाड़ियों के लिए जो है वो स्टैंड बना हुआ है। और ये सामने दिख रहा है स्टेशन है, टिकट काउंटर। तो अभी हम वहाँ चलते हैं। बम्बई आने वाले देख लो। ये सब गांव जाने वाले लोग हैं। तो यहां से हम मुंडा जाएंगे। ये अंदर का सीन है। ये गाड़ी का लाइन है यार, तो सब प्लेटफार्म टिकट के लिए लाइन है। रुको दे, भाई ये प्लेटफार्म टिकट के लिए लाइन लगा हुआ है, देख सकते हो। अरे पूरे गांव जाने वाले हैं। इस टिकट तो निकल चुका है, देख सकते हो, 50 रुपये का प्लेटफार्म टिकट है।
देख सकते हो पीछे कितना गर्दी है, सब गाँव जाने के लिए इतना ज़्यादा गर्दी लगा हुआ है। तो अभी हम प्लेटफार्म टिकट ले चुके हैं और चलते हैं। तो देख सकते हैं गाड़ी लगी हुई है, इसी में हम उनको बैठाएंगे। बहुत ज्यादा लोकपाले को टिकट मिला है, 2500 रुपया लगा है, जाके टिकट निकला है 800 रुपये का टिकट, अगर जो है वो 2500 रुपये पड़ा है। देख सकते हो कितना ज्यादा गर्दी है, ये एसी बोगी का ये हाल है। ये देख सकते हो बोगी का, स्लीपर बोगी का ये हाल है। ये रिजर्वेशन का हाल है, देख सकते हो चालू से भी बदतर हुआ है। लोकमान्य टर्मिनल में गोरखपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस वाया देख सकते हो इसमें बैठना है, 4472 हाल है। कितना नंबर सीटिया है? हम हटिया वैसे तो नहीं चलती, बहुत सबके रास्ते में बैग रखा है। उसका अरे हम लोग 22 साल की उम्र में थर्ड ईयर में हैं, उसकी 22 साल की उम्र में जुड़वा कहाँ है ले जो आराम है। मेरे भाई दो चालू से भी ज्यादा गर्दी है। चार हुआ या तीन? सही बोल रहा है, चार हो गया। हाँ तो तीन ही है और दो की किसका है? ये दो नहीं हम तो पटने राय चाहिए नहीं आएगा। तो आप लोग देख रहे हो कि कितना ज्यादा गर्दी था, जावेद तो अभी हम लोग बैठा दिए हैं और अभी ये रिजर्वेशन का हाल है। तो अभी हम चालू का भी हाल दिखाएंगे थोड़ा सा कि चालू में क्या हाल था। तो अभी आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, अभी हम दिखा रहे हैं आप लोग को कि चालू में कितना ज़्यादा गर्दी है, क्योंकि सीजन चल रहा है छठ पूजे का। और ज़्यादा गर्दी तो बहुत ज़्यादा है भाई, जिसका टिकट है वो भी सही से सो के नहीं जा पाएगा। ये देखो भाई ये चालू का हाल है भैया, बहुत ज्यादा कर दी है ना, बहुत ज्यादा कर दी है। एक सीट पे 6-6, 7-7 आदमी बैठे हैं। हाँ
ये चालू है, देख रहे एक सीट पे छः छः सात सात आदमी बैठे हैं। ये हाल है भाई गाड़ी का। देखो पूरा रात ऐसे ही बैठ के जाएंगे लोग। तो गाइस देख सकते हो टाइम हो चुका है 5:23 और ट्रेन छूट रही है एकदम राइट टाइम से, यहाँ से छुट्टी है। देख सकते हो कितना गर्दी है रिजर्वेशन में भी। देखो कितना गलत काम कर रहा है ये। ये है चालू का हाल, देख लो भाई कितनी ज्यादा गर्दी है। तो भाई सब हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं, तो अभी हम लोग यहाँ से लोकल ट्रेन पकड़ेंगे तो जाएंगे। तो आप लोग वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो अभी आप लोग देख सकते हैं छठ पूजा के जाने के लिए कितनी ज़्यादा गर्दी है। तो अभी सीजन चल रहा है तो अभी हम लोग पहले यहाँ से निकलते हैं अंदर स्टेशन प्लेटफॉर्म टिकट। सभी हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं, ये इजी गेट है देख सकते हो। तो अभी हम लोग निकलते हैं, ये अपने टिकट काउंटर घर से। तो अभी हम आप लोग को बाहर से ये टिकट घर दिखाते हैं। ये देख सकते हो बाहर से लोकमान्य तिलक टर्मिनस। गाइस अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और चलते हैं अभी लोकल तिलक नगर पीछे है तो वहाँ चलते हैं। वहाँ से फिर हम लोग डायरेक्ट निकलेंगे रूम पे मानखोर। तो अभी चलते हैं। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं तिलक नगर स्टेशन पे और अभी ट्रेन बहुत लेट है तो यहाँ पे बैठ के वेटिंग करना पड़ेगा। तो वीडियो को करेंगे यहीं पे एंड क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा।
तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और वीडियो कैसा बना है कमेंट करके जरूर बतलाना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो आप सभी को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए बाय बाय, गुड मॉर्निंग।